वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स कैटिट्यूड। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अपना पूरा सेटअप लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ क्योंकि आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ स्किन केयर। मुझे ना डॉक्टर शेफ जो ब्रांड है वो बहुत ज्यादा पसंद है और उनका जब भी ऑफर चलता है ना, बाय वन गेट वन या बाय टू गेट टू, उस समय मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही लेती हूँ। इसलिए मेरे पास उनके हो गए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। ये इतने सारे प्रोडक्ट जो है वो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं। आज की वीडियो के लिए मैंने कुछ 7-8 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं जिसके हेल्प से मैं आज करने वाली हूँ अपने फेस का स्किन केयर। डॉक्टर शेफ के प्रोडक्ट मैंने इससे पहले यूज किया है। उनका सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका सेरामाइड वाला जो मॉइस्चराइजर है वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट इसके अलावा जो भी आज के वीडियो में मैं प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ वो मैं पहली बार यूज करूंगी। सो इट इज गोना बी माय फर्स्ट एवर रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट। और डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए काफी लंबा समय चाहिए होता है, एटलीस्ट 21-25 डेज तो चाहिए ही ये देखने के लिए कि वो प्रोडक्ट आपके स्किन पे काम कर रहा है कि नहीं। सो आज के वीडियो में वो चीज नहीं होने वाली है। पहली बार जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको कैसा लगता है उस बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। सो या गाइस, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाल मेरे हो गए हैं सेट एंड मैं ये इयररिंग भी हटा देती हूँ। सो या गाइस, बाल मैंने पीछे कर लिए हैं ताकि स्किन केयर करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और इयररिंग्स भी मैंने हटा लिया है। द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज इज दिस वन। सो दिस इज मॉर्निंगा एंड विटामिन सी क्लेंजिंग ऑयल। ये एक क्लेंजिंग ऑयल है, इसे फेस वॉश करने से पहले यूज करना है। तो इसे यूज करने के लिए यहाँ पे जो मेंशन है इसमें लिखा है यूज टू पम्प्स ऑन ड्राई स्किन एंड देन मसाज वेल एंड देन वॉश ऑफ विथ वाटर एंड पैट स्किन ड्राई। तो हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज इट। सो दिस प्रोडक्ट लुक समथिंग लाइक दिस। प्रोडक्ट लीकेज बहुत ज्यादा हुआ है। ओहो, तो पैकेजिंग इज नॉट नाइस एट ऑल, पैकेजिंग बहुत खराब है। मसाज एंड रब वेल, फर्स्ट टाइम की मैं ऐसा कुछ वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा ही रखूंगी। क्लेंजिंग ऑयल है तो ये बिल्कुल ऑयली जैसा फील हो रहा है। आई थिंक ये मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए यूज होता होगा, बट इसमें कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि दिस कैन बी यूज फॉर मेकअप रिमूवल और समथिंग। इसमें सिर्फ ये मेंशन है कि एएम या पीएम जब भी आप अपना स्किन केयर रूटीन करते हो तो फेस वॉश से पहले आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब आपके स्किन केयर रूटीन में ये सबसे पहला प्रोडक्ट आएगा। आई थिंक ये मसाज हो गई है एंड अब जाके मुझे फेस वॉश कर लेना चाहिए। और जो दूसरा स्टेप है वो होने वाला है फेस वॉश, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सेंटेला। ये विटामिन ई कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो पैकेजिंग है इसमें लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। फेस वॉश कुछ ऐसा है, तो इसमें कुछ रेड रेड पार्टिकल्स टाइप हैं छोटे छोटे। ये जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत माइल्ड है, अच्छी लग रही है। इट इज डेफिनेटली अ जेंटल फेस वॉश, फीलिंग तो वैसी ही है, बहुत हार्श नहीं लग रहा है। अच्छा, जब भी आप फेस वॉश करते हो ना तो एटलीस्ट आप 45 सेकेंड या कोशिश क्या करो कि 60 सेकेंड्स के लिए तो मीन्स आप रब करो अपने स्किन को जेंटली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स आपके फेस वॉश में हैं वो तो तभी काम करेंगे ना जब आप उनको इनफ टाइम दोगे। आई एम डन विद द फेस वॉश, इट वॉज ओवरऑल अ गुड फेस वॉश। आप जब भी अपना मुंह पोंछते हो ना, चाहे वो तौलिए से या किसी भी दूसरे कपड़े से, तो आप इस तरीके से ड्राई किया करो। ऐसे रब करने से ना फ्रिक्शन की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा मैंने एक डॉक्टर से सुना था, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मेरा फेस अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बट मुझे ना थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा है अपने फेस पे। ओके, तो फेस वॉश होने के बाद द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोना बी यूजिंग इज दिस वन। दिस इज मुल्तानी मिट्टी एंड मैंडेलिक एसिड फेस मास्क। ये एक तरीके का एक्सफोलिएटर है, ये स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट कर देता है एंड इसमें शिया बटर भी है। सो लेट्स ओपन इट। 10-15 मिनट तक लगा के अपने फेस पे छोड़ देना है। सो आई एम जस्ट टेकिंग इतना प्रोडक्ट।
अच्छा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट पहली बार यूज कर रहे हो ना, तो उसका मतलब पैच टेस्ट आप कर लेना। मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, बट आपको कर लेना चाहिए इन केस अगर आप एलर्जिक हो किसी ऐसे इंग्रेडिएंट से जो उस प्रोडक्ट में है, तो पहले से यूज कर लेने से ना ऐसा पैच टेस्ट अच्छा रहता है। मुल्तानी मिट्टी की हल्की हल्की सी फ्रेग्रेंस तो है इसमें। तो ये जो फेस पैक है या फेस मास्क जो भी आप कह लो, वो मैंने लगा लिया है। 10-15 मिनट होने के बाद मैं इसको धो दूंगी। सो यार गाइस, 15 मिनट हो गए थे तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। ऑनेस्टली मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी तो साफ साफ लग रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फ्रेश सा फील हो रहा है, बट बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग या फिर ग्लोइंग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इट्स अ नॉर्मल फेस पैक। इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय द पैक ड्राई। दिस इज माय स्किन व्हिच इज लुकिंग वेरी वेरी फ्रेश। अच्छा, मेरे पास एक और एक्सफोलिएटर है। दिस इज सी पपाया एंड पीएचए एक्सफोलिएटिंग सीरम। हालांकि आपको दो दो एक्सफोलिएटर एक टाइम पे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं इसे यूज कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। ओके, आप ऐसा मत करना। द प्रोडक्ट लुक्स समथिंग लाइक दिस, और इसके साथ में आता है ये ड्रॉपर। ऐसा लिखा है कि 2 से 3 ड्रॉप सीरम लेना है, तो चलिए इसको खोल के लगाते हैं। तो इट इज लाइक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, बहुत ही लाइट वेट है, पानी जैसा लग रहा है। बिल्कुल टेक्सचर हल्का सा स्टिक करता है, बट ये तो 2-3 ड्रॉप से ज्यादा ही लगेगा। आई कैन सी द ग्लो आफ्टर दिस सीरम, डेफिनेटली। सो दिस इज द सीरम जो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको लगाने के बाद एक तरीके का ग्लो आ रहा है, विच लाइक लुकिंग वेरी वेरी नेचुरल। अच्छा, इसमें ऐसा लिखा है ना कि इसको लगाने के बाद आपको लगाना है ये टू लॉक द प्रोडक्ट या फिर सील द प्रोडक्ट। तो ये मैंने लगा लिया है। इसके बाद हम ये लगाएंगे हल्दी एंड हाइलोरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क। तो ये आपका पीएम रूटीन होना चाहिए, लेकिन मैं इसे अभी कर ले रही हूँ फॉर दिस वीडियो। तो प्रोडक्ट अंदर से कुछ ऐसा लगता है। इसमें लिखा है कि आपको इसको नाइट टाइम के लिए ही यूज करना चाहिए, एंड यू हैव टू अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ हल्दी एंड हाइलोरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क, एंड देन आप इसे लगा के सो जाओ। तो ये कुछ ऐसा लगता है। इट इज अ थिक जेल फॉर्म। इसमें यार, इसमें हल्दी की खुशबू आ रही है। इसमें छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स भी थे। थोड़ा सा ये चिपचिपा है, लेकिन एक अच्छी सी ग्लो आ रही है इसको लगाने के बाद। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप ना इस स्लीपिंग मास्क को ना एक बार ट्राई कर सकते हो। आई थिंक इट इज अ गुड प्रोडक्ट। तो मेरे पास आंखों के लिए भी कुछ है। मैंने मंगाया है ये कैमोलाइन एंड कैफीन आई क्रीम है ये। यस, अंडर आई क्रीम है ये, जो कि अंदर से कुछ ऐसा पतला सा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है प्रोडक्ट, एंड ये तुरंत से आंखों के नीचे लगाने पे ना ब्लेंड हो जा रहा है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। तो मेरी आंखों का भी केयर हो गया। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए ना, उन सबको सील करने के लिए आई एम गोना बी यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर। फिर विटामिन ई एंड गिनजेंग, जिनजेंग पता नहीं क्या है। ओ, ये जो गिनजेंग एक्सट्रैक्ट है ना, इसमें ऐसा लिखा है कि स्ट्रेस के टॉक्सिक इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है, एंड आपके स्किन में ना वाइब्रेंस लाता है, जिससे आपका स्किन बहुत वाइब्रेंट लगता है, और जो भी यूवी रेस से जो डैमेज हुआ है ना, उसको ये ठीक करता है। द प्रोडक्ट लुक समथिंग लाइक दिस। कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें, ये लाइट वेट भी है। इसका जो फील है ना, वो मैट फील है। तो आई थिंक दिस मॉइस्चराइजर इज गुड फॉर द एक्ने प्रोन ऑयली स्किन टाइप पीपल। ये उतना चिपचिपा नहीं है, एंड दिस इज लाइक ओके ओके काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस मॉइस्चराइजर। हालांकि इसका जो फील है वो मैट फिनिश है, बट स्टिल इट इज गिविंग मी अ वेरी ऑयली काइंड ऑफ फील। तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगी ऑयली पीपल को। हालांकि पहले मैंने बोला था कि आप लगा सकते हो बिकॉज ऑफ द मैट फिनिश, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक इट्स काइंड ऑफ वेरी ग्रीजी। प्रोडक्ट दैट टुडे दैट आई एम हैविंग इज दिस वन। ये बहुत ही फेमस हुआ था, एंड ये अक्सर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है डॉक्टर शेथ की वेबसाइट पे। दिस इज केसर एंड कोजिक डेली पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम। तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है, मलाई जैसा। ओह, इसकी फ्रेग्रेंस, आई लाइक इट। नाउ दिस
cream is definitely better than the previous one. I like this cream. इसका feel मुझे अच्छा लग रहा है एंड ये थोड़ा सा लाइट वेट भी है तो ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे. अच्छा चलो तो आपको फटाक से ना एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देते हैं सारे प्रोडक्ट्स का कि कौन सा आप खरीद सकते हो, कौन सा आप नहीं खरीद सकते हो, कौन सा मुझे अच्छा लगा एंड कौन सा मुझे अच्छा नहीं लगा. और हाँ मैं आपको पहले बता दूं कि हो सकता है जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे वो आपको अच्छे ना लगे और हो सकता है जो आपको अच्छे लगे वो मुझे अच्छे ना लगे. सो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड वेरी पर्सनल चॉइस ऑल्सो. तो आप उस बात का ध्यान रखना. और ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया था ये क्लेंजिंग ऑयल. आई थिंक कि ये आप ले सकते हो, आप इसे यूज करके एक बार देख लेना कि आपके जो स्किन केयर रूटीन है उसमें ये कैसा काम कर रहा है. क्योंकि इसे रियली में जज करने के लिए मुझे इनफ टाइम चाहिए. जब मैंने आज यूज किया तो मुझे ऐसा कुछ भी रिजल्ट्स फील नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आई थिंक इसको टाइम चाहिए. नेक्स्ट वन वॉज दिस क्लेंजर विच इज सेंटेला एंड विटामिन ई क्लेंजर. आई थिंक ये ओके टाइप का फेस वॉश है बट अगर आप ड्राई एरिया में रह रहे हो, जैसे फिलहाल मैं जयपुर में हूँ तो यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा ड्राई है. जितना ड्राई विंटर में हो जाता है उससे ज्यादा यहाँ पे ड्राई मुझे फील हो रहा है समर में. तो उस वेदर के लिए आई थिंक ये थोड़ा सा आपको ड्राई लग सकता है, अदरवाइज ओवरऑल इट इज अ नाइस फेस वॉश. तो अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो मैं आपको कहूंगी कि आप इसे मत यूज करो, बट फॉर ऑयली स्किन यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट इज दिस अंडर आई क्रीम. ये भी मुझे अच्छा ही लगा बिकॉज इट वॉज लाइक वेरी क्विक टू ब्लेंड एंड वेरी लाइट टेक्सचर था इसका. लॉन्ग टर्म में ये इतना काम करता है मुझे नहीं पता बट इसके जो इन्ग्रीडियंट्स है वो काफी अच्छे हैं. सो यू कैन डेफिनेटली थिंक टू परचेज इट. नेक्स्ट वन इज दिस वन हल्दी एंड हाइलोरॉनिक एसिड स्लीपिंग मास्क. ये ना इसको लगाने के बाद मुझे ग्लोई सा फील हो रहा था. नाइट में ये लगाने के लिए है तो आप इसे अपने पीएम केयर रूटीन में आप इंक्लूड कर सकते हो. दिस वन द मॉइस्चराइजर विच आई थिंक आई डिड नॉट लाइक दैट मच बिकॉज थोड़ा सा ग्रीजी फील हो रहा था तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो. बट एट द सेम टाइम ड्राई स्किन वाले आप इसे एक बार परचेज करके देख सकते हो, आप इसे एक बार यूज करके देख सकते हो तो आपके ऊपर ये सूट करे. मेरे ऊपर तो मुझे लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा ग्रीजी फील हो रहा था. एंड दिस वन केसर एंड कोजिक पिगमेंटेशन क्रीम. ये पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम है तो जितने भी स्किन पे ब्लेमिशेस दाग धब्बे होते हैं उनके लिए है ये. मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, आई रियली लाइक द फील एंड द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो आप इसे भी खरीद सकते हो. आई थिंक आई लाइक दिस वन. अगर आपको डॉक्टर शेथ के जो बाकी प्रोडक्ट्स मेरे पास है उनका भी एक तरीके का रिव्यू या ऐसा ही कुछ हॉल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, मैं इसका पार्ट टू भी लेके आऊंगी. ओवरऑल स्किन केयर करने के बाद मेरे फेस पे जो ग्लो आ रहा है मुझे वो काफी अच्छा लग रहा है. डॉक्टर शायद एक अच्छा ब्रांड है एंड मुझे यूज करना भी काफी अच्छा लगता है. और ये वीडियो बिल्कुल भी उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसे से ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. या गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लाइक बटन भी दबा दो और घंटा भी दबा देना जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाए. और मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में. Well, I see you in the next video. Bye bye. Take care.